जबरदस्त मजा आ रहा है भाई, नान और साथ चने। यहाँ बड़े जंगल दे शेर साहब, जंगल किंग। उसको नहीं पता कि ऊपर चढ़ा हुआ है हमारे काम। अच्छा सफर जा रहा हूँ, आपकी भाभी मुझे धक्के दे रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ है, समर अपने जोबन पे है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, हर तरफ समर एक्टिविटीज़ बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। हमने भी फैमिली ने प्लान किया है कि आज हम चलते हैं अफ्रीकन लायन सफारी। हमारे पास यहाँ पे अफ्रीकन लायन सफारी एक चिड़ियाघर है, जो ओपन एयर चिड़ियाघर है, जहाँ पे कुछ ओपन एयर उन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं और उनके दरमियान हम गाड़ी लेके जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक डे एक्टिविटी है, बड़ा मज़ा आने वाला है और आप लोग भी साथ रहें, वीडियो को एंड तक देखें, मुझे उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय करेंगे। चलें निकलते हैं। हम लोग घर से निकल के पहले आए हैं, ये है कश्मीर करी एंड बिरयानी हाउस। ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और ये टेक आउट है बेसिकली, यहाँ पे अंदर बैठने की जगह नहीं है और हम अक्सर यहाँ पे आके करते ये हैं कि इनसे सुबह का नाश्ता बनवाते हैं, नान चने हलवा पूड़ी, और फिर गाड़ी में बैठ के खाते हैं यहाँ पे ताज़े ताज़े नान, इसका बड़ा मज़ा आता है। तो आज भी पहले ये इंजॉय करेंगे और फिर चलेंगे। बॉयज कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वाह ताज़े ताज़े नान, वेरी गुड। चलो करो शुरू करो। क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई, नान और साथ चने हलवा पूड़ी। और ये मौसम और ये जगह, हाय हाय हाय। हम लोग भी जब कभी यहाँ पे आए इस जगह पे, इसकी स्पेशलिटी यही है, सारा कुछ मंगवा के ताज़े नान जो है ना वो बनवा के, तिलों वाले और हलवा पूड़ी, उसको एंजॉय करें बाहर बैठ। बहुत मज़ा आया जी, वेरी टेस्टी। कैसा लगा? मज़े का है ना? अफ्रीकन लायन सफारी हमारे टोरंटो से वेस्ट पे है और जहाँ हमारा घर है वॉन में, वहाँ से पार्क तक का रास्ता है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं। तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, धूप और बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड सी है, बल्कि ना 20 टेम्परेचर है। तो बाहर वाला भी चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है। सिटी से साइड पे बनाया हुआ है, कंट्री साइड पे, शायद ये हो जाए कि कोई शेर शोर भाग जाए तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पता लगे कि वो शहर में दौड़ गया है और सारा शहर आगे आगे और शेर पीछे पीछे, मेरे ख्याल ही शायद यही वजह। यहाँ पे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जो एडल्ट्स हैं उनकी 49.95 और चाइल्ड है 36.95। तो खैर ये सूरत हाल है और रश काफ़ी है, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे 10 काउंटर हैं जो अंदर जाने के लिए हैं और 10 के 10 फुल हैं। बहुत देर से हम वेट कर रहे हैं, गाड़ी हल्की हल्की मूव हो रही है और टिकट तक पहुँच रही हैं, तकरीबन कोई 15 मिनट हो गए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अब पार्क के अंदर और अब सबसे पहले हम जाएंगे जो मेन इनका एरिया है, जहां पे ओपन जो एनिमल्स हैं उस तरफ। जिस तरह से रश है, जिस तरह से यहां पे लाइंस लगी हुई हैं,
मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है कि जब अंदर जाना है हमने उस एरिया में, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी हमें ट्रैफिक मिलनी है और टाइम बहुत लग जाना है। ये है जी सामने हमारे एंट्रेंस जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ताड़ी जिम्मेदारी है, वो ज़रा क्लोज करके दिखाओ, ये साइन लिखा हुआ है उन्होंने कि कह रहे हैं कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है, गाड़ी को कुछ हो जाए, तानू कुछ हो जाए, मर जाओ खप जाओ हमारे बिना केस आए, क्योंकि ये एनिमल्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे साथ ही सबसे पहले आए हैं चीता, चीता इन्होंने बंद ही रखा हुआ है, उसको फिर भी उन्होंने खुला नहीं छोड़ा हुआ, क्योंकि वो कुछ कुछ लगता है ज्यादा डेंजरस किस्म के। लेफ्ट पे बैठे हैं जी सिंगों वाले बड़े बड़े बैल नैरोबीज। ये हमारे राइट पे बैठे हैं लामास, बिल्कुल करीब हमारे लामास, कम हियर कम हियर, इधर आओ लामास, कम कम कम। ये वो एंट्रेंस है जहाँ से अंदर शेर वगैरह खुले, सिंबा लाइन काउंटी। अब कहाँ है शेर, ढूंढो बाज़म, इसके दरख्तों के पीछे छुपा होगा, कोई अटैक करेगा। पब्लिक मैसेज, वो बैठा है लाइन, सो रहा है, तो सो रहा है, दोपहर के वक्त आराम कर रहा है, इसका जो है ना वो नैप टाइम चल रहा है, सोने का टाइम चल रहा है इसका। ओए होए होए बटा पपर शेर, जंगल किंग। और बाकी शेर जो हैं वो जाग रहे हैं, वो उस तरफ है। ये अच्छा है वैसे, सिक्योरिटी उन्होंने पूरी रखी होती है यहाँ पे ना। ये सांप जी सो रहे हैं, बड़े जंगल दे शेर सांप, जंगल किंग। एक शेर है बब्बर शेर, और वो कितने हैं काउंट करो बाज़म, 1 2 3 4, वो पीछे चौथा बैठा है। हाँ इनका ना सोने का टाइम है मेरा ख्याल है इस वक्त। या बाज़म ठीक था, लेकिन मजा आता अगर वो पास आता, हमारे पास नहीं आया, पास आ गया तो पूरा विंडो टूट जाता। आई नो आई नो। ये हम लोग अब आ गए हैं व्हाइट लाइंस की तरफ, ये देखो टिम्बावटी लाइंस, वाह। वो भी अपना थोड़ा सा नैप टाइम है उनका, क्योंकि टाइम है इनका भी चल रहा है। एक वो उधर जो बैठा हुआ है राइट पे जाके, हाँ ये इधर ये भी बैठा हुआ है जी, वो बड़ा वाला बब्बर शेर भी बैठा हुआ है वो नीचे। यहाँ से सही क्लियर नजर आ रहे हैं, एक इधर नाराज होके बैठा हुआ है शेर, ये शेर नहीं है ये क्या है, इसकी लगता है इनके साथ बन नहीं रही है, उधर जाके बैठ गई है, सैड हो गई है। इधर भी एक बब्बर शेर है और 1 2 3 4 शेर है। वसीम डर तो नहीं लग रहा आपको? क्यूट से लग रही है, क्यूट लग रही है। हाँ जाके हगी कर लो, ये देखने में क्यूट लगते हैं, पता नहीं बाद में क्या करते हैं। हैं कभी गुस्सा मैन हो जाती है ना तो फिर पता लगता है, सब के सब लग रहे हैं टेडी बेयर की तरह, लेकिन जब असल में अटैक करते हैं तो फिर इतने देखने में टेडी बेयर है, डेंजरस है वैसे। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं आगे। आगे है, बताओ मैप देख के बताओ, बताओ देख के बताओ। मंकी आ रहे हैं, बस मंकी आ रहे हैं, ये वॉन्की बुशलैंड ट्रेल है, ये बाईपास उधर है, लेकिन हमने जाना है मंकीज को देखने। वो आगे हैं सारे लगता है इधर इकट्ठे हुए हुए हैं। यस सर, ये
ऊपर पता नहीं क्या सीन चल रहा है कि प्लेन जो है वो उसको टो करके लेके जा रहा है पीछे ड्रोन को, उसने बांधा हुआ अपने साथ। हाँ, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ है ये। आई डोंट नो इसकी क्या पर्पस है क्या नहीं है, आई हैव नो आईडिया। वो मंकी और वो गाय, वो मंकी के साथ उसका बेबी भी है आगे। मंकीज बैबून्स वो बैबून की चक्की रट्टा की नजर आई। वो एक चढ़ गया गाड़ी के ऊपर, अभी इसका वाइपर भी निकाल लेता हूँ। जो उनको नहीं पता है कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ, मैं उसको दिखा रहा हूँ कि ऊपर चढ़ा हुआ है। उसको नहीं पता कि ऊपर चढ़ा हुआ है हमारे। ओह बॉय, ये वाइपर्स भी खा जाते हैं इनके निकाल के, पता है आपको। हाँ। ये सारे वाइपर तोड़ देते हैं और गाड़ी के नशर नशर कर देते हैं। हमारी गाड़ी कैसे पता यहाँ ऊपर नहीं। एक वो वॉक करके जा रहा है, वो उधर भाग रहा है। हाँ वो देखो उसके पास बेबी है, वो छोटा सा ये वाला क्यूट क्यूट सा उसके। किसी और गाड़ी के ऊपर ना चढ़ जाए, ये बेबी वाला। ये करीब आ गया, आप कहीं ऊपर ना चढ़ जाए। हाँ जी वो बेबी है, ये पता नहीं कौन सी नस्ल है गाय की। ओके, अभी हम जो है वो मंकी से निकल के अब कहाँ जा रहे हैं? बाजार राइनोसॉर्स पार्क। ओके, इसमें लिखा है रॉकी रेज और काफी सारी चीजें हैं, है ना? ऑस्ट्रेज है। तकरीबन हम 8 साल बाद आए हैं, ये हिसाब लगा रहे थे। हाँ जी 3-4 थे आप। ये है एक हिरण की किस्म, गाड़ी वाले के साथ खाना खा रहा था ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ये आया जी हमारे पास शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। यहाँ पे इनका जो है ना वो खाने का जिराफों का ऊंचा करके बनाया हुआ शेड बनाया हुआ। और इधर है हमारे गेंडा। अच्छा इनकी बड़ी बनती है आपस में, इनको कोई ना अलग अलग नहीं रखा हुआ। जो जराफे हैं और ये ऑस्ट्रिचेस हैं, ये आपस में जो है ना वो फ्रेंड फ्रेंड है, फ्रेंडशिप है इनकी आपस में। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहती हैं तू मैनू नहीं खाना तो मैं तैनू नहीं खाना, तो हम दोनों ने ज़िंदगी इंजॉय करनी है घास खा खा के। ये सही है, ये देखो ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर खुदा ना खास्ता इसको गुस्सा आ जाए ना, ये अगर बन गया ना गुस्सा मैन बन गया तो ये गाड़ियाँ भी उल्टा देता होता, पता है। हाँ। कितना करीब आ गया हमारे, देखो बाजम। Oh my God. और शीशा बंद कर लो, शीशा बंद कर लो, करीब आ गया। गुस्सा नहीं होना तेरी बेल बन गया, गुस्सा नहीं होना। आगे क्या डर रही हो, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं होता, नहीं आता, कुछ नहीं होता। आने दो देखो, और करीब आने दो, और करीब आ जा, आजा आजा, कम। अच्छा सफर जा रहा हूँ यार, की भाभी मुझे धक्के दे रही है, जल्दी करो कहीं हमें काट ना ले। नहीं काटता, कुछ नहीं करता, वो तो घास खा रहा है, भूखा ही इतना बेचारा, पता नहीं कब का। और ये अब आ गया है वड्डा हिरन, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये है बड़े साइज के हिरन। और वो पीछे ये तो वैसे है जैसे मारखोर होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में पहाड़ों में, माउंटेन गोट्स। यस वैसे यू नो दैट राइट, उसे हम कहते हैं मारखोर। और इधर इनकी पूरी टेरिटरी बैठी है,
जब वो जो हम पीछे जो डायनासोर छोड़ के आए हैं ना, वो हमारे बिल्कुल करीब था, तो उसके बाद साथ ही वो गाड़ी आ गई है और उसको घेरा डाल के तो वो फिर उधर लेके जा रही है, क्योंकि बिल्कुल करीब जा रहे थे ना उसके, गाड़ियों करीब जा रहा था, विच इज़ डेंजरस, क्योंकि वो एनिमल ऐसा है कि अगर वो अगर कोई अग्रेसिव हो गया थोड़ा सा भी, तो उसने जो है ना वो गाड़ियों को उल्टा के दूर फेंक देना। और आगे आगे है हमारे ये जिराफ साहब, लंबी नेक वाले जिराफ, स्टिक खा रहा है और ये काफ़ी देर से खा रहा है, ये चबा रहा है। हाँ वो लगता है वो गुस्सा हो रहा है, और दूसरी गाड़ी भी उधर गई है, वो देखो उसको पीछे कर रहे हैं और वो अग्रेसिव हो रहा है, वो देखो जो वो अग्रेसिव हो रहा है, वो देखो वो दोनों मिलके उसको उधर भेज रहे हैं ना, वो कर रहे हैं अग्रेसिव होके गाड़ी, हाँ, गाड़ी के आगे खड़े हैं वहाँ पे। यस दोनों मिले हुए हैं, उसको उधर भेज रहे हैं। अच्छा वो उनके साथ फाइट कर रहा है, प्रॉपर फाइट कर रहा है। अब मुड़ा उसने, अब भागा है, भागा भागा भागा, कुछ नहीं होता, हमारी तरफ नहीं आ रहा, डोंट वरी। शीशा भागो भागो भागो, हमारी तरफ नहीं आ रहा, वो बहुत दूर है। इनसे कुछ नहीं होएगा, इनसे कुछ नहीं होएगा। ये बेबी जिराफ बेबी, क्यूट क्यूट दो बेबी इधर अपना बैठे खाना खा रहे हैं। ये देखो उन्होंने उसके लिए खाना के लिए ऊंचा बनाया हुआ है ताकि आराम से वो खा सके। बुलाओ इसे, बुलाओ इसको, कुछ खिलाओ, खिलाओ खिलाओ कुछ इसको। आजा 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 आजा, आ गया आ गया आ गया, आ रहा आ रहा, वो जा रहा है, नहीं आ रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, वो दूसरे वाला बाय 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 बाय, इसको कुछ करा दो, हमारे पास कोई नान पड़ा हुआ है वो जो सुबह नाश्ते वाला था, इसको नान चने खिलाओ, इसको हलवा पूड़ी खिलाओ, इसको पता लगे पंजाबी कितने मजे करते हैं। आना नहीं है, आजा 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 आजा, वो देख रहा है उनको, आजा लॉन्ग नेक। हाँ तेन मौज करावा, तेन हलवा पूड़ी खुआवा। वो जो बेबी उधर थे ना, वो अपने मामा पापा के पास चले गए हैं। ये भी बैठे हुए हैं, ये तो ऐसे जैसे अफीम पी के सोए हुए हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा अब ये एक पोर्शन है जहाँ पे ये वाले एनिमल्स हैं, कंगारू बाउंसी बाउंसी करके भाग रहा था अभी ये। ये देखो ये है हमारे पास कंगारू, कंगारूज। अच्छा इसको भी इन्होंने ग्रिल में बंद किया हुआ है, क्योंकि ये भी बड़े अग्रेसिव होते हैं, ये आते हैं और फिर होते हैं, हाँ। ऐसे आगे किक मारते हैं, फ्रंट किक ना, इसीलिए उन्होंने इनको भी बंद कर दिया ताकि गाड़ियों को ना मारे। आए ना, चल भाई भाग, ये उठा, ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, शाबाश शाबाश। यहाँ से दूर से एक और चीज देखने को मिल रही है कि वो पीछे डोंकी पाकिस्तानी खोते इनको भी बंद किया हुआ है यहाँ पे, दसो हमारे सड़कों पे फिर रहे हैं और यहाँ पे इन बेचारों को कैद किया हुआ है इन्होंने। हैं एक राइनो ये भी बैठा है और कोई मासूम सा ही लग रहा है बेचारा। डियर्स, हेलो डियर्स, हाय डियर, प्यारे डियर, क्यूट क्यूट डियर्स, एक इधर भी बैठा है और तीन इधर चार बैठे हैं। अब ये इसकी एक साइड है अमेरिका के एनिमल्स की, है ना बाज़म? हाँ जी, फॉलो डियर और बाइसन। ओके बाइसन्स हैं, एल्क हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके साथ देखो डियर की पूरी टेरिटरी बैठी है, इतने डियर, इतने डियर माशाल्लाह, क्यूट लग रहे हैं ये सारी नस्ल, एक जैसे हैं।
अच्छा है जी, अच्छा है, नाइस, मजा आया सारा देख के। सारे एनिमल्स जो हैं वो खुले, इस तरह मौसम भी अच्छा था, एनिमल्स ने भी इंजॉय किया और हमने उनको देख के इंजॉय किया। यहाँ पे ये एक बोट टूर भी करवाते हैं जिसमें ये अंदर लेके जाते हैं और इन्होंने दरमियान में कुछ थोड़े बहुत जानवर भी छोड़े हुए हैं आइलैंड्स बना के, और कुछ जैसे बंदर वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये देखो जी, ये सारे बोट के लिए खड़े हैं। इतना इतना लंबा वेट करने का मेरा तो कोई मूड नहीं है। बच्चों के लिए पूरा पार्क बनाया हुआ है, वाटर पार्क, लेकिन आज मौसम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे रौनक नहीं है इतनी। मैंने भी हुडी लेके आया था, मैंने वो पहन लिया क्योंकि बड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा था इस वक्त। यहाँ पे एक ट्रेन राइड है जो अंदर चलती है, जो जहाँ पे हम होके आए हैं उधर ही एक साइड पे काफ़ी, मतलब कोई 15-20 मिनट की वो ट्रेन राइड है, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा वेटिंग, लंबी लाइन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी इसका जो दूसरा कॉर्नर है वो बिल्कुल पीछे उस साइड पे है। कम से कम भी मेरा ख्याल है कोई 400-500 लोग जो हैं वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ ट्रेन की राइड के लिए। मैं देख रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे अब पब्लिक आना शुरू हो गई है। ये क्यूट क्यूट से छोटी छोटी बकरियाँ, ये टर्टल है वो देखिए, बड़ा सा टर्टल। चल बोल के दिखा, ये बोला। ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, बोलो बोला, आपकी बात सुन ली है बाज़म उसने। और ये देखो ये क्या, ये वो बैठे हैं उल्लू, उल्लू बैठे हैं, उल्लू आउल्स बैठे हैं। इधर भी है, कहाँ है वो, उधर पीछे बैठा है, वो ऊपर भी है, नजर नहीं आ रहा वो, हाँ ये ऊपर बैठा है कोई, और ये भी ऊपर, हाँ जी हाँ जी, वो बैठा उल्लू, ये भी ऑल है। इट्स शो टाइम, इधर रौनक लगी है, सारे लोग शो देखने के लिए आए हैं। अभी यहाँ पे पैरट शो होगा, उसको देखते हैं। Spud is simply just a turkey. Now, why would we have a turkey in our presentations? Not because we love her so much, but because she brings with her a wonderful message of conservation. We're actually native to Central and South America, and so although these things might be standing on, it also allows them to bring larger pieces of food up to their mouth to take smaller bites of. Now, fun fact is that birds actually exhibit left and right footedness just like humans do. However, it is more common for this allows them to swing through the canopies of their homes. Those large, beautiful wings of theirs help them to fly 50 to 60 kilometers per hour, directing the wind.
and when they are ready to stop, they will fan it up. Oh, isn't that sweet? Well, the reality is, rock concerts usually register in at about 120 decibels. So even if that's loud, speeds are our unlimited guinea fowl. See who can get here first, get the most amount of snacks. They are a type of bird that looks very similar to a chicken because they simply are part of that same grouping of birds. Now, they typically wander on foot. Parker is beautiful to watch in action. Watch as she uses that tail to fan it out for the breeze, and that's another safe landing. Give it up for FIFA. Hello. Nice big hello. Let's see if you have one too. Very well done, FIFA. Very funny, your name? No! I think you're game to play with us. I think you guys know this one. Tickle, tickle, tickle. Get him chuckling. Little Fernando is our master of sound effects. He has learned a few from us. First off, us drinking a big old glass of water. Alright, some good chuckles. Learn to cough, as he sometimes hears us cough. There we go. With that. Now not only are they crying. चलो बस ये एक और शो है जो बर्ड ऑफ प्रे जो शिकार करने वाले परिंदे हैं ये उनके बारे में है इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं They love eating fish and we'll see if Juno can make a grab. He does. Let's give a big books like Silent Spring, which analyzed come from. We'll have Blanco striding out shortly, or gliding out, demonstrating that impressive wingspan. What an excellent display. So that's Blanco, this European white stork, known as the bearer of babies. And you'll see that beautiful long bill and slender orange legs. Volunteers, ladies and gentlemen, this is going to be very helpful, very exciting. Our next birds love fresh victims. Get, go! And they are off, ladies and gentlemen, but it's a close race. The black vultures, it looks even, and the volunteers have dashed ahead, winning the race with ease, conquering the undefeated black vultures. Let's give them a big round of applause. Thank you very much. वाह जी वाह ये क्या है ये नए स्टाइल के फ्राइज हैं खाना कैसे है यम्मी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा दिन गुजार के हम लोग घर वापस पहुंच गए हैं नथिंग बेटर देन दैट कि फैमिली साथ हो अच्छी जगह हो मौसम अच्छा हो हर लिहाज से अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रहा बड़ा मज़ा आया मैं अपनी इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करता हूं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर लें एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा अपनी दुआओं में याद रखें अल्लाह निगहबान